गणेश चतुर्थी से संबंधित जाने कुछ खास बातें। शिवपुत्र पार्वती नंदन गणेश जी की दो पत्नियां हैं, रिद्धि और सिद्धि। ये दोनों विश्वकर्मा की पूर्तियां थी। उनके पुत्रों का नाम है लाभ और शुभ और उनकी पुत्री का नाम है संतोषी माता। गणेश जी के 12 प्रमुख नाम है सुमुख, एकदंत, कपिल, गण, गज, कर्णक, लंबोदर, विकट, विघ्ननाशक, विनायक, धूम्रकेतु, गणाध्यक्ष, बालचंद्र और गजानन। उनके प्रत्येक नाम के पीछे एक कथा है। गणेश जी ने सतयुग में महुक्तक विनायक नाम से अवतार लेकर और देवांतक का वध किया था। त्रेतायुग में मयूरेश्वर नाम से अवतार लेकर सिंधु नामक दैत्य का विनाश किया था। द्वापर युग में गजानन या गजमुख नाम से अवतार लेकर और सिंधुरासुर का वध किया था। साथ ही उन्होंने महाभारत भी लिखी थी। पंचदेवों में गणेश जी की पूजा भी की जाती है। ये पंचदेव हैं शिव जी, विष्णु जी, दुर्गा जी, सूर्य देव और गणेश जी। गणेश जी की पूजा वैदिक और अति प्राचीन काल से ही की जाती रही है। एक बार शिव जी की तरह ही गणेश जी ने कैलाश पर्वत पर जाने से परशुराम जी को रोक दिया था। उस समय परशुराम कृतवीर अर्जुन का वध करके कैलाश पर शिव के दर्शन की अभिलाषा से गए हुए थे। वे शिव के परम भक्त थे। गणेश जी के रोकने पर परशुराम जी गणेश जी से युद्ध करने लग गए। गणेश जी ने उन्हें धूल चटा दी। तब मजबूर होकर उन्होंने शिव के दिए फरसे का उन पर प्रयोग किया, जिसके चलते गणेश जी का बाया दांत टूट गया। तभी से वह एक दंत कहनाने लगे। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण पर श्याम तंक मणि का चोरी करने का झूठा आरोप लगा था, जिसके चलते वे अपमानित हुए थे। इस कलंक से मुक्ति के लिए नारद जी ने बताया था कि आपने भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को भूलवश से चंद्र दर्शन कर लिया था, इसलिए आप पर यह कलंक लगा है। क्योंकि इस दिन चंद्रमा को गणेश जी ने श्राप दिया था, इसलिए जो इस दिन चंद्र दर्शन करता है उस पर झूठा आरोप लगता है। इस कलंक से मुक्ति के लिए अब आपको गणेश चतुर्थी का व्रत करना होगा, तभी आप दोष मुक्त हो पाएंगे। तभी से चतुर्थी के दिन चंद्र का दर्शन नहीं किया जाता।